गढ़वा जिले के बड़गढ़ प्रखंड क्षेत्र के कुटकू मंडल डैम में आई बाढ़ से कई गांव जलमग्न हो गए। इस बाढ़ से कई गांवों के करीब 55 घर डूब गए हैं। गांव के लोग पूरे परिवार और अपने मवेशियों को लेकर जंगलों और पहाड़ में चढ़कर शरण लिए हुए हैं। प्रशासन द्वारा अभी तक किसी तरह का कोई राहत कार्य शुरू नहीं किया गया। गाँव के प्राथमिक विद्यालय भी जलमग्न हो गए हैं। विद्यालय में रखे सभी सामान डूब गए हैं। जिले में हुई बारिश से बड़गढ़ प्रखंड के कुटकू मंडल डैम स्थित कोयल नदी की बाढ़ इतनी बढ़ गई कि इस डैम के कुछ डूब क्षेत्र एडमाडो, कुटकू उत्तर टोला, कुटकू सन्या गांव के कुछ भाग जलमग्न हो गए हैं। गांव के लोग अपने बच्चों और सामानों को निकालकर पर्वतों, चट्टानों और जंगलों में शरण लिए हुए हैं। इस बाढ़ में अभी तक किसी के मरने की खबर नहीं है। हालांकि कई मवेशियों को लोग घरों में ही छोड़ चुके हैं। इन मवेशियों का कोई अता पता नहीं चल पा रहा। करीब 30 वर्षों से अधूरा पड़ा है कुटकू मंडल डैम। बता दें कि कुटकू मंडल डैम करीब 30 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। जिस वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है उस वर्ष डूब क्षेत्र के कारण कई गांव जलमग्न हो जाते हैं। हालांकि कुटकू मंडल डैम के डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों का सरकार के द्वारा मुआवजा देकर विस्थापित कर दिया गया था, परंतु गांव के सभी लोगों को मुआवजा नहीं मिलने के कारण कुछ लोग गांव में ही रह रहे थे और मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। मुआवजा नहीं मिल पाने के कारण वो गांव छोड़कर बाहर नहीं जा पा रहे हैं। इसके पहले भी गांव में आई बाढ़ से कितने लोग, कितने पशु के डूबने से मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 वर्ष पूर्व इस अधूरी योजना का किया था शिलान्यास। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 वर्ष पहले इस अधूरे पड़े कुटकू मंडल डैम के कार्य को पूर्ण करने के लिए कार्य का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद कार्य शुरू करने के लिए राशि भी आवंटित कर दी गई थी, परंतु अभी तक काम नहीं लग सका। अब तक ये परियोजना अधूरी की अधूरी पड़ी रह गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट।